बड़ी खबर देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर तहसील क्षेत्र के गांव पतरामपुर से है, जहां वर्तमान उप जिलाधिकारी गौरव चटवाल ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए न्यायालय के आदेश की अवहेलना की। साथ ही छुट्टी के दिन भी निर्माण कार्य कर रहे कर्मचारियों का काम रुकवा दिया। विशेष रिपोर्ट में देखिए जसपुर के वर्तमान उप जिलाधिकारी गौरव चटवाल की कैसे तानाशाही करके कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते नजर आए। उप जिलाधिकारी की तानाशाही आई सामने, न्यायालय के आदेशों का नहीं किया पालन, कोर्ट के आदेश के बावजूद निर्माण कार्य करवाया बंद। दरअसल 29 मई 2023 को करीब 1.5 साल पहले उस समय के तत्कालीन जसपुर उप जिलाधिकारी द्वारा अतिक्रमण कार्यवाही के दौरान खसवा नंबर 287 में बरसों से बहते चले आ रहे पीड़ितों के मकान को ध्वस्त कर उन्हें बेघर करा दिया था। इसके पश्चात सभी पीड़ितों ने कोर्ट की शरण में जाकर उप जिलाधिकारी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसमें न्यायालय ने करीब 1.5 साल की अवधि में सुनवाई कर पीड़ितों को न्याय देते हुए पीड़ितों को पुनः निर्माण करने और विपक्षी गण उप जिलाधिकारी जसपुर आदि को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने का आदेश पारित किया। लेकिन इसके बावजूद भी वर्तमान उप जिलाधिकारी गौरव चटवाल ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए छुट्टी के दिन भी तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य कर रहे पीड़ितों का काम बंद करवा दिया। इन लोग कोर्ट से एक स्टे लेके आए जो 287 नंबर का है, और जहां ये निर्माण कर रहे थे वो 290 नंबर है, जो कि बंजर का नंबर है। और इसी बीच में इन लोगों को गलतफहमी है कि ये जो है 287 में निर्माण कर रहे हैं, जबकि वो गलत जगह निर्माण कर रहे हैं। तो इसके लिए यही इनको कहा गया कि हम मंडे को फिर से पैमाइश करेंगे और इनको बता देंगे कि ये गलत जगह कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसके पश्चात तब तक के लिए इस कार्य को रुकवा दिया गया। इस दौरान जब पीड़ितों ने उप जिला मैजिस्ट्रेट से पूछा कि निर्माण रोकने का कोई आदेश उनके पास है तो वो दिखाएं, तो उप जिला मैजिस्ट्रेट भड़क गए। उन्होंने कहा कि मैं खुद कोर्ट में जवाब दूंगा, आप खसवा नंबर 287 की जगह 290 में निर्माण कर रहे हैं, जो कि गलत है। साथ ही आप मेरे खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट दायर कराने की धमकी देते भी नजर आ रहे हैं। वो खुद अपने विभाग द्वारा पूर्व में तोड़े गए पीड़ितों के मकानों को गलत बताते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस प्रकार उप जिला मैजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश को न मानकर उसकी अवहेलना करते हुए पीड़ितों का काम रोकते हुए नजर आ रहे हैं। चलो भाई, चलो चलो, आप गलत नंबर पे कर रहे हैं। आप कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे, आप कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे। नहीं भाई, हम ये हमारे हिसाब से 290 नंबर है, आप इसको जो है इसको हटाइए। मतलब आप कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे? हम कोर्ट में जवाब दे देंगे जवाब। आप कोर्ट ने तो इस पे दे रखा भाई, इस पे नहीं दिया ना, वो दूसरे नंबर पे दिया। नहीं, कंटेनमेंट कोर्ट दे रहा है, कंटेनमेंट कोर्ट नहीं है। ठीक है, मंडे को पैमाइश करके इसको आपको बनाएंगे। ये कंटेनमेंट कोर्ट नहीं है सर, ये मंडे का मतलब मंडे को पैमाइश होनी चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर जसपुर विधायक आदेश चौहान और एसडीएम की चर्चा का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एसडीएम और विधायक पूरे मामले पर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। देखिए इस वीडियो को। मंगल में नाम, दो दिन पूरे नाम नहीं लगा सर। वो भी तो मैं कह रहा हूँ, ये अगर मैं गलत रोक रहा हूँ, मेरे ऊपर मंडे को कंटेम्प्ट डाल दे, मुझे वो मुझे सर एक बात बताए, यार डालने तो हमें क्या फायदा सर। कोर्ट का विषय कोर्ट में होगा ना भाई, कोर्ट का इन्होंने कर दिया हमें, मैं जब इतना कर दिया इतना तो कर ही दिया। आपको तो समझ में तो आ रहा है, लेकिन सोमवार में करा दो। अच्छा, एक चीज, एक मिनट सर, एक काम करते हैं, बात मान लेते हैं सर की, बात ही मानते हैं विधायक जी, सुबह जाएंगे विधायक जी, हमने सर की बात अभी मान लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पर जब भी हम सर के पास गए हैं कि सर पैमाइश हमें हमारे सामने, मीडिया में जानकारी आने के बाद इस मामले पर अब एसडीएम गौरव सिंह चटवाल की प्रतिक्रिया सामने आई, सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपको पता है कि एक साल पहले, लगभग 1.5 साल पहले 29/5/2023 को समय के तत्कालीन उप जिलाधिकारी ने एक जगह पतरामपुर में जो रास्ते का नंबर था 290 नंबर, उस पर एनक्रोचमेंट था, उनको नोटिस दे के और
सबके सामने वो एनक्रोचमेंट, आप लोग भी शायद क्योंकि उस समय मैं यहाँ तैनात नहीं था, लेकिन आप लोग चूंकि स्थानीय पत्रकार हैं आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि ये एनक्रोचमेंट हमारे द्वारा प्रशासन के द्वारा हटाया गया था और उसमें प्राप्त उनको नोटिस दिए गए थे, सब कुछ चीज़ें हुई थी। इसके पश्चात इनके द्वारा एक कोर्ट केस किया गया और वहाँ पे जो है हम माननीय न्यायालय के आदेश का पूरा सम्मान करते हैं, उनके द्वारा 287 नंबर पे पुनर्निर्माण करने के से नरोकजा ऐसा आदेश किया गया, किंतु जिनके इनके द्वारा जहाँ जिस जगह निर्माण किया जा रहा था वो वही जगह थी जहाँ पे हमने इंक्रोचमेंट तोड़ा था, ये बात आप लोग भी जानते हैं, वहाँ पे अभी भी मलबा पड़ा हुआ है। तो हमारे द्वारा सिर्फ उनको 290 नंबर पे निर्माण करने से रोका गया है, ना कि 287 पे। 287 एक आबादी का नंबर है जिस पर ऑलरेडी 2 साल पहले स्वामित्व योजना के अंतर्गत सारी प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, सर्वे किया जा चुका है। इसके पश्चात उसके पश्चात भी हमने फिर भी आज सर्वे करके निस्तारण करना चाहा, लेकिन इनके द्वारा भारी लोगों के विरोध के कारण हम पैमाइश नहीं कर पाए और इनके द्वारा उसमें व्यवधान उत्पन्न किया गया। ये हमें सर्वविदित है, आप लोगों को भी विदित है कि वो नंबर जिस पे एंक्रोचमेंट हटाया गया उसी जगह निर्माण करे तो उससे उनको रोका जाएगा और हम न्यायालय के आदेश की पूरी पालना करेंगे, लेकिन गलत जगह पे अतिक्रमण भी होने नहीं दिया जाएगा। जसपुर एसडीएम की सच्चाई, जिन्हें खुद नहीं पता कि पीड़ितों द्वारा कराया जा रहा निर्माण कार्य सही जगह पर है या गलत जगह पर, ऐसा अधिकारी आम जनता को क्या न्याय देगा जो पीड़ितों को परेशान कर रहे हैं और उनके काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तरह से आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जा रही है, उप जिलाधिकारी की तानाशाही भी लगातार देखने को मिल रही है। साथ ही आपको बता दें कि वर्तमान उप जिलाधिकारी गौरव चटवाल ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है, साथ ही छुट्टी के दिन भी निर्माण कार्य कर रहे कर्मचारियों का काम रुकवा दिया। लगातार इस तरीके की तानाशाही देखने को मिल रही है और साफ तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि उन्हें खुद नहीं पता कि आखिर जो निर्माण कार्य हो रहा है वो सही जगह पर हो रहा है या नहीं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उन्होंने छुट्टी के दिन भी आकर कर्मचारी द्वारा किए जा रहे काम को रुकवा दिया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन भी इस दौरान उनके साथ मौजूद नजर आ रहा है और कोर्ट के आदेशों की पूरी तरह से अवहेलना होती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर माना जा सकता है कि उप जिलाधिकारी की तानाशाही ही है क्योंकि कोर्ट के आदेश है जिनका पालन नहीं किया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि यह निर्माण कार्य किया जा रहा था ग्रामीणों द्वारा, जिसको पूरी तरीके से रुकवा दिया गया। छुट्टी के दिन यहां पर कर्मचारी मौजूद थे और लगातार निर्माण कार्य किया जा रहा था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उप जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर पुलिस बल के साथ इस निर्माण कार्य को रुकवा दिया। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ जसपुर से विधायक आदेश चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। आदेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमकेएन न्यूज पर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये जसपुर की जो तस्वीरें हैं सामने आ रही हैं, उप जिलाधिकारी की तानाशाही देखने को मिल रही है, तो ये पूरा मामला क्या है? क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट के आदेश आए थे उसके बाद भी कोर्ट के आदेशों की अवहेलना होती हुई देखी जा रही है। देखिए, यहाँ के अधिकारी मजबूर है सत्ता के सामने जी, क्योंकि वो हमारे गरीब किसान मजदूर लोग हैं जिनके मकान तोड़े गए, जो उस टाइम भी दबाव में आकर तोड़े गए, तो उस टाइम तत्कालीन एसडीएम को बहुत समझाया गया इनकी नाप तोड़ सही की जाए जी, क्योंकि 97 नंबर पर इनको हदबंदी 180 बना के दी गई तत्कालीन उस टाइम के तहसीलदार के द्वारा, और जो पूर्व विधायक जी के परिवार का जो मामला है उन्होंने दबाव में लेकर अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हुए उन मकानों को धराशायी करा गया जी। अब 2 साल लंबी लड़ाई लड़ने के बाद हमारे किसान लोग मजदूर लोग इन्होंने याद किया और कोर्ट से इनको एक स्थगन मिला के भाई आप निर्माण कर सकते हैं तो कोई हस्तक्षेप ना करें, लेकिन आज भी वो नंबर 287-90 का वो कंफ्यूज कर उस निर्माण को रोकना चाहते हैं, जबकि कोर्ट का स्पष्ट आदेश है। हमने ये भी कहा कि भाई आप निर्माण होने दीजिए, अगर ये गलत जगह बनाएंगे 287 का अलग बनेगा तो आप तो फिर ध्वस्त कर देंगे, लेकिन वो मजबूरी है क्योंकि सत्ता के दबाव में वो काम नहीं हो रहा जी। तो आदेश में अगर बात की जाए तो ग्रामीणों का किस तरीके का रुख देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये मामला करीब 1.5 साल पहले का है और जिस तरीके से ये आदेश कोर्ट की ओर से जारी किए गए उसके बाद भी ग्रामीणों को कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो ग्रामीणों के आगे की क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है इस मामले को लेकर? नहीं, मैं ये पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूँ जी। मैं जिस दिन मकान ध्वस्त हुआ तब भी मैं वहीं था, जब आप निर्माण के लिए गए तब भी मैं वहीं था,
मेरा प्रयास है, मैं अधिकारियों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई इनका निर्माण होने दें, जो भी कोर्ट के आदेश है। अगर आपको लगता है कि कोर्ट अगर ये गलत जगह है तो आप फिर ध्वस्त कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट पावर तो आपके पास है, लेकिन वो सत्ता के दबाव में है इसलिए एक निर्माण नहीं हो पा रहा। ठीक है आदेश सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि उप जिलाधिकारी की तानाशाही लगातार देखने को मिल रही है और हमने विधायक से भी बातचीत करने की कोशिश की और उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि वो ग्रामीणों के साथ हैं और कहीं ना कहीं वो उनका समर्थन करते हुए भी नजर आ रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि वो सत्ता के आगे विवश होकर इस तरीके से आदेशों की अवहेलना करते हुए देखे जा सकते हैं क्योंकि ये 1.5 साल पहले का मामला है और माना जा सकता है कि जिस तरीके से कोर्ट ने आदेश दिए कि अब ये निर्माण कार्य पूरी तरीके से हो सकता है और जो खसवा संख्या 287 में निर्माण कार्य हो रहा है उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं की जाएगी, फिर चाहे वो उप जिलाधिकारी ही क्यों ना हो। लेकिन उप जिलाधिकारी का जिस तरीके से वीडियो सामने आया है उसमें भी देखा गया कि वो खुद ही कंफ्यूज हैं कि आखिर जो खसवा संख्या 287 है या 290 है, आखिर निर्माण कार्य कहां पर हो रहा है। जिलाधिकारी की तानाशाही कहीं ना कहीं जसपुर में देखने को मिल रही है क्योंकि आप देख सकते हैं कि कोर्ट के पूरी तरीके से आदेश सामने आ गए थे कि अब यहां निर्माण कार्य में किसी भी तरह की कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं की जाएगी, लेकिन कोर्ट के आदेशों की अवहेलना देखी जा रही है। देखिए आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं जसपुर से जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही है, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि निर्माण कार्य को रोका गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जसपुर से संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उप जिलाधिकारी तानाशाही कर रहे हैं और कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, हम एक बार आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इसको लेकर अभी क्या कार्रवाई की जा रही है। जी सरकार उप जिलाधिकारी द्वारा अतिक्रमण हटाया गया था जेसीबी चला करके, ये खतरा नंबर 287 का मिला है जिसको लेकर के पीड़ित जो किसान थे, जो मकान मालिक थे, वो न्यायालय के सड़क में गए, न्यायालय से उनको राहत मिली, उसके बाद न्यायालय ने उनको पुनः निर्माण करने के आदेश कर दिए थे जिसको लेकर के वो अपना निर्माण कर रहे थे। उप जिलाधिकारी प्रशासन के साथ प्रिंसिपल के साथ मैं पहुंचने के बाद उन्होंने जो निर्माण कार्य रुकाया, उनसे सोमवार तक की गुहार की, सोमवार तक कार्य रोक दिया जाए। लेकिन वही जब जसपुर विधायक जी वहां पहुंचे, उन्होंने करके उनसे बाकी वार्ता के दौरान वो नर्वस से दिखाई दिए, उन्होंने फिर जसपुर विधायक के आगे किस तरह बिगड़ा रहे हैं ये साफ तौर पर आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह आ रहा है, किस तरीके से उनको साफ कर रहे हैं कि मेरी नौकरी का सवाल है, मेरी नौकरी का सवाल है, इस तरह गिरगा कह रहे कि मेरे पे दबाव बहुत अधिक है। यार दबाव किसका है ये है अभी क्लियर नहीं बता रहे हैं, शासन का दबाव हुआ है, किसी जनप्रतिनिधि का हुआ है या क्या दबाव ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन उन्होंने बड़ा साफ तौर से जब विधायक आगे जो कांग्रेस के ठीक है प्रदीप श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ इस खबर पर साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार कोर्ट के आदेशों की अवहेलना भी करते हुए उप जिलाधिकारी नजर आ रहे हैं, जसपुर से ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि ये जो निर्माण कार्य था ये खसवा संख्या 287 में हो रहा था, लेकिन जब वहां उप जिलाधिकारी पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो खसवा संख्या 287 पर निर्माण होना है ये 290 पर हो रहा है। अब ये माना जा सकता है कि किस तरीके से वो कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं क्योंकि कोर्ट के ओर से ये आदेश दिए गए थे कि अब इस खसवा संख्या पर जो भी निर्माण कार्य होगा उसमें किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं की जाएगी। तो वहीं आपने जसपुर में देखा कि किस तरीके से उप जिलाधिकारी गौरव चटवाल ने कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है, साथ ही इस पूरे मामले पर हमने विधायक से भी बातचीत की और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वो ग्रामीणों के साथ हैं और जल्द से जल्द निर्माण कार्य कराने की कोशिशें भी की जाएंगी।